हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस सुंदर से ड्रेस को बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम प्लाजो बनाएंगे, कटिंग लाइनिंग पर करेंगे। लाइनिंग मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर ली है, ये सेंटून फैब्रिक है। लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड पर बिछा के रखा है। इधर से ओपन साइड है और इस तरफ से फोल्डेड साइड है। इसका जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको ऐसे मोड़ेंगे तिकोने में। बराबर से सेट कर ले फोल्ड करके। अब इस कोने पे वेस्ट की मार्किंग करें। मेरे मेजरमेंट में फुल कमर का साइज है 34 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8.5 इंच। इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए, तो टोटल हो गया 11 इंच। इस तरह से गोलाई में 11 इंच नाप लेंगे। जहाँ पे 11 मिल रहा है वहाँ पे निशान लगा दें। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेंगे। इसकी लेंथ आ रही है 14.5 इंच, तो यहाँ से 14.5 इंच की लेंथ पे निशान लगाएंगे। ये निशान थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैंने ऊपर के लिए लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए, ये परफेक्ट 11 इंच आ रहा है, तो इस वाले निशान पे कटिंग कर देंगे। यहां से गोलाई हमने 11 इंच रखी है, तो क्रॉस लेंथ पे 11 इंच लेंगे। तो यहां से 11 पे निशान लगा दें, यहां से 1.25 इंच पे इसे यहां से मिलाएं, यहां पे गोलाई दें, इस निशान पे कटिंग करें। ये वाला कपड़ा यहाँ से फोल्ड है, इसको यहाँ से कट कर दें। मेरे मेजरमेंट में फुल प्लाजो की लेंथ रहेगी 37 इंच, जिसमें 1 इंच की बेल्ट लेंथ माइनस करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो टोटल हो गया 36.5 इंच। इस कटिंग से 36.5 इंच लंबाई नापेंगे। यहाँ से देखिए नापी और यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस कटिंग से 36.5 इंच लंबाई नापते हुए निशान लगाएंगे। इस पे कटिंग कर दें। उधर के लिए कपड़ा नीचे के लिए फोल्ड है, तो ऐसा ही सेम निशान हम पूरे पे लगा के कटिंग कर देंगे। इसको यहां से ऐसे खोल ले। मैं इसे ऐसे रख रही हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई देगा पूरा। इस वाले कपड़े पे 1/2 इंच सीम अलाउंस का मार्क कर दें। इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। साइड से कटिंग में जो कपड़ा बचा था, ये हमारा यहाँ पे पूरा नहीं पड़ रहा है, मैंने नाप के देख लिया है। अगर आपका इसमें से ही यहाँ पे कपड़ा पूरा पड़ जाए तो आप इसमें से कटिंग करके निकाल लें, नहीं तो आप अलग से कटिंग करेंगे। मैंने दूसरे कपड़े को डबल लेयर में बिछा के रखा है। जो हमने ये निशान लगाया था, बिल्कुल इसी के बराबर से बिछाया है। और आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए हल्की हल्की सी कटिंग दिख रही है जो हमने इसकी करी थी, तो मैं बिल्कुल उसी पे कटिंग कर दूंगी। ये कपड़ा यहाँ से फोल्ड है, इसको कट कर देंगे। ये वाली लेयर इसके साथ अटैच कर देंगे, जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर प्लेन नेट ली है, ये टोटल 5 मीटर है। इस नेट की जो लेंथ है, इसका जो अर्ज होता है, वो टोटल 60 इंच का है। नेट को मैंने सिंपल फोल्ड करके रखा है, 4 तह बनाई हैं। यहाँ से इसका फोल्डेड साइड है और यहाँ से देखिए इसकी 4 तह बनी है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। यहाँ से देखिए ओपन साइड है नेट का,
नेट की जो ये किनारी बनी हुई है इसे कट करके बिल्कुल सीधा रख लेंगे। अब कटिंग लाइनिंग की लेंगे। लाइनिंग की मैंने सिंगल लेयर ली है, सिंगल लेयर को रखेंगे जिससे सफाई से कटिंग होगी। लाइनिंग का यहाँ से ओपन साइड है और इसे साइड से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। नेट पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है क्योंकि इसमें हम पीको करेंगे नीचे से, तो ये सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है 1 इंच और साइड से बिल्कुल मिलाते हुए रखा है। और आप देख लीजिए पूरा नेट इस तरह से प्लेस है। उधर से मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा है, सिर्फ साइड से मिलाते हुए रखा है लाइनिंग को। अब इस कटिंग से यहाँ तक की लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई देखिए 13.5 इंच आ रही है, तो इस कोने से 13.5 इंच की लेंथ पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही लगा देंगे इस कटिंग के बराबर। अब इस कोने से इधर के लिए भी 13.5 इंच पे लगाएंगे। अब इस पे कटिंग कर दें। इधर से क्रॉस लेंथ की भी कर दें। अब नेट पे नीचे से 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड कर देंगे। अब इस कटिंग से जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक लेंथ नाप लेंगे। इसकी लेंथ टोटल 38 इंच आ रही है, तो 38 इंच की ही लंबाई पे इस कटिंग से इधर के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने अभी इधर के लिए नापी थी सेम 38 इंच लंबाई यहाँ से भी नाप लेंगे और निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर से भी 38 इंच की लेंथ पे निशान लगा दिया है गोलाई में। अब बिल्कुल इसी निशान पे कटिंग कर देंगे। अब यहां तक तो पूरी कटिंग हो गई है, इस तरह से मेरी कटिंग होगी प्लाजो की। इधर से देखिए मैंने बराबर से कट कर दिया है, तो हमारी इधर से चारों लेयर अलग अलग हो गई हैं। 1, 2, 3 और 4, ये चारों लेयर हैं और ये चारों अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ से ज्वाइंट डालना है। आपको ऊपर से 2 लेयर लेनी है। यहाँ पे मैंने देखिए सिर्फ 2 लेयर लिए हैं, 1 और 2। 2 लेयर को लेना है और यहाँ पे अटैच कर देना है, यहाँ पे पूरी सिलाई डाल देनी है। तो ये हमारा एक पैर का हो जाएगा और नीचे वाला दूसरे पैर का हो जाएगा। मैं आपको इसमें एक पैर का बनाना बताऊंगी। पहले मैं इसमें से 2 लेयर लूंगी और इसे यहाँ से अटैच कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, तो हम यहाँ ऊपर की तरफ महीन महीन गैदर बना देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें नेट में ज्वाइंट देख रहे होंगे, तो पहले मैंने इसको सेंटर से अटैच कर दिया। फिर नेट में जो प्लेट्स बनाई हैं, प्लेट्स बनाने के बाद लाइनिंग के साथ वेस्ट पे अटैच कर दिया है। क्रॉस लेंथ पे भी नेट को लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है दोनों तरफ से। सेम ऐसे ही इसका दूसरा पीस भी तैयार करना है। अब ये वाला पीस इसके ऊपर उल्टा रखें, क्रॉस लेंथ को मिला के अटैच कर दें। सिर्फ एक साइड का अटैच करना है, दूसरे साइड का अभी खुला रखना है। फिर आपको बेल्ट के लिए लाइनिंग से सीधी पट्टी लेनी है। बेल्ट की लेंथ हमने माइनस करी थी 1 इंच, जिसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो बेल्ट को हम ऐसे डबल में लगाते हैं, इसकी 1/2 लेंथ है 1.5 इंच। इस पट्टी की लेंथ जितनी वेस्ट है यहाँ तक, वहाँ तक लेनी है। इस पट्टी को पीछे की तरफ से रखें और मिलाते हुए अटैच कर दें। पूरी बेल्ट को इस तरह यहाँ तक अटैच कर दिया है। इस वाले कपड़े को ऊपर के लिए किया, पीछे से कपड़े को बराबर कर लें। फिर 1/2 इंच नीचे के लिए फोल्ड करें और इसे फोल्ड करके इसी वाली सिलाई के ऊपर रखें जो पहले लगाई थी, और सिलाई लगा दें।
अब इसमें 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालेंगे। मेरे मेजरमेंट में कमर का नाप था 34 इंच, जिसका 1/3 भाग हुआ 24.5 इंच। 24.5 इंच की लेंथ में इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को नेफे के अंदर डाल देंगे। इलास्टिक को मैंने डाल दिया है, अब इस तरफ वाले क्रॉच लेंथ को अटैच कर देंगे। यहाँ से बराबर मिला के अटैच कर दें। अब सेंटर से अटैच कर देंगे, तो क्रॉस लेंथ के जॉइंट को ऐसे आमने सामने मिला के रखें। यहाँ से देखिए, दोनों को आमने सामने मिला के रखा है और इसे बिल्कुल बराबर मिला लें यहाँ से। फिर लाइनिंग और नेट को एक साइड से बराबर मिला लें। सेम ऐसे ही इधर से भी मिला लें। क्रॉच लेंथ के जॉइंट से लगभग 2 इंच तक की सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही 2 इंच तक की सिलाई इधर भी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पे ऐसे कट लगा दें। सिलाई से बचाते हुए लगाना है। अब लाइनिंग को ऐसे हटा देंगे और सिर्फ नेट को ऐसे बराबर मिला लें। सिर्फ नेट पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे खाली नेट मैंने अटैच करी है। अब नेट को अंदर के लिए कर दें, लाइनिंग को ऐसे ऊपर बराबर मिला लें और इसी के सीध में सिलाई लगा दें। सेम ऐसे ही इसकी दूसरी तरफ भी अटैच करें। अब ये पूरा प्लाजो हमारा रेडी हो गया है। नीचे की तरफ मैंने इसमें पीको कर दिया नेट में और फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका घेर कितना अच्छा आया है। इसमें काफ़ी घेर है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।